दोस्तों सीटेट 5 जुलाई को होने जा रहा है और गैस आपके पास 30 दिन से भी कम का समय बचा है। गैस अब आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी, काफ़ी लोगों के पास कोचिंग नहीं जाते हैं और लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग भी नहीं गए हैं। तो गैस ऐसे ही 30 दिन में आप ऐसा क्या पढ़ लें कि गैस आप एक इस 30 दिन में पढ़ के 110 प्लस तक के नंबर आप लोग ऑप्टेन कर पाएँ। तो गैस इसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप कोचिंग नहीं कर सकते हो, आप कोचिंग तक नहीं जाना चाहते हो, या आपके केवल 30 दिन है, आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो गाइस इसे फॉलो कीजिए, 110 नंबर आ सकते हैं आपके। गाइस इससे पहले भी कई बच्चों ने ये प्लान फॉलो किया है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस है, इस प्लान के थ्रू उन्होंने अच्छे नंबर ऑब्टेन किए हैं। तो गाइस क्या होता है, क्यों बच्चे पास नहीं होते, मैं आपको एक व्यू शेयर करता हूं 2019 दिसंबर परीक्षा का। गाइस लगभग 22 लाख लोगों ने पेपर दिया था और जिसमें से मात्र गाइस 5,45,000 लोग पास हुए थे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो केवल गाइस 15% जो बच्चे थे वो पास हुए थे, 85% बच्चा जो था वो फेल हो रहा था। गाइस क्यों हो रहा था, क्योंकि गाइस उन लोगों ने इस प्लान को फॉलो नहीं किया था। तो गाइस आपको इन 15% में आना है, ना कि 85% में। तो गाइस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, ये वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए गाइस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे आपको पता है कि 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मिनट होते हैं। अब आप कहेंगे एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट बहुत सफिशियंट टाइम है, पर गाइस उन बच्चों से जाकर पूछिए जो 150 मिनट में भी 30 क्वेश्चन छोड़कर आते हैं, उन्हें मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिलता। जानते हो क्यों टाइम नहीं मिलता गाइस, क्योंकि यहां पर वो बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं जानता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसे ये नहीं पता होता है। आज गाइस मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों आपको पता है सीटेट 2 पेपर लॉन्च करता है, पेपर 1 के नाम से और पेपर 2 के नाम से। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में गाइस 3-3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं CDP, हिंदी और इंग्लिश। गाइस इसमें दोनों पेपर सेम होते हैं, फिर भी इसमें कुछ अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं आपको ये बताता हूँ, लेवल का अंतर होता है गाइस। अगर आप पेपर 1 में बैठे हुए हैं, पेपर 1 में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे गाइस जो लेवल होता है ना, वो आपको 11 साल तक के बच्चों का लेवल होता है। अगर गाइस आप पेपर 2 पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे गाइस आपको 14 साल तक के बच्चों का लेवल सॉल्व करना होता है। ये थोड़ा सा लेवल अंतर होता है। जब भी गाइस आप पेपर 1 सॉल्व करें ना, तो ये अपने अंदर रखना कि भाई मैं 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, उसके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप पेपर 2 में चले जाएँ ना, तो आप ये सोचना मैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए पेपर सॉल्व कर रहा हूं, गाइस पेपर आपका सही जाएगा, अगर उस बच्चे के अनुसार सोचोगे तो। तीसरी बात गाइस, यहाँ पे आपने देखा है सीटेट के पेपर में पैडागॉजी और कंटेंट आता है गाइज, जहाँ आपको पैडागॉजी जो है 60% आती है। गाइज मैं बात करूँ 60% की, तो मतलब 90 नंबर की पैडागॉजी आती है और गाइज 60 नंबर का यहाँ पे आपका कंटेंट आता है। अब ये पैडागॉजी भाई होती क्या है गाइज, पैडागॉजी को हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। अब शिक्षा शास्त्र क्यों इतनी ज़्यादा पूछ रहे हैं 90 नंबर की भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, आपको यहां बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं। गाइस जब आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको तो ये तो पता होना चाहिए बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस कक्षा में कौन से शिक्षण विधि यूज करना है, कौन से मानसिक स्तर को बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है। तो गाइस ये कौन बताएगा आपको, ये बताएगी आपको पैडागॉजी। तो ये 90 नंबर की पैडागॉजी आप चुटकियों में कंप्लीट कर लेंगे। जो गाइस मैंने सीरीज निकाली है, मैं 9 PM गाइस मैं रात 9 बजे डेली आप लोगों के लिए क्लास कर रहा हूँ, जहाँ आपको EVS के गाइस, जहाँ आपको किसके EVS के, और गाइस वहाँ पर आपको हिंदी के, मैथमेटिक्स के, और गाइस आपको यहाँ पर SST के और अन्य विषयों के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है। वहां गाइज आपका ये पैडागॉजी और कंटेंट दोनों कवर करा दूंगा मैं विद इन 30 डेज। और गाइज मैंने आपको ऑलरेडी 2011 से 2020 तक के गाइज पेपर सॉल्व करवा दिए हैं प्लेलिस्ट में, वो भी जाकर आप देख लेना, एग्जाम बेहतर क्लियर होगा। जानते हो क्यों, आपको बताता हूँ, आइए गाइस क्या होता है। अब हम 34 नंबर का लेंगे प्रीवियस ईयर। गाइस क्या होता है, आज जब मैंने एनालाइज किया 2018 का पेपर मैंने एनालाइज किया गाइस, और 2019 के जो 2 पेपर थे वो भी मैंने एनालाइज किए, इसमें लगभग 40% जो क्वेश्चन आए थे वो आपके प्रीवियस ईयर से आए हुए थे। 40% अंक
प्रीवियस ईयर से। तो गाइस अगर हम ये प्रीवियस ईयर पढ़ लें, कहाँ से कहाँ तक पढ़ लें गाइस, 2011 से लेकर 2020 तक पढ़ लें, तो आपके ये 40% अंक पक्के हैं। आगे की बात, अगली बात, भाई ज़्यादातर बच्चे क्यों नहीं पास होते हैं? आपको पता है ज़्यादातर बच्चे क्यों नहीं पास होते? क्योंकि वहाँ पर नॉलेज ऑफ सिलेबस, भाई सिलेबस का नॉलेज नहीं होता। गाइस आप ये बताइए, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं, अब इसी के सिलेबस को आपको पता ही नहीं है भाई। यहाँ बच्चा ना कुछ दिन पहले ही जाग रहा है, उसे सिलेबस ही नहीं पता है। अब जब आप सिलेबस ही नहीं जानते हो तो एग्ज़ाम क्या खाक क्लियर होगा? तो गाइस मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारी कक्षाओं में मौजूद है, आप मेरी लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आपको सिलेबस जानने की चिंता ना करें। सिलेबस मुझे पता है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर आप मेरी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सिलेबस को जानिए, सिलेबस में क्या दिया है उसके आधार में गाइस आप पढ़ाई करिए, ये ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। आगे चलता हूँ गाइस, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भाई क्या होता है, यहाँ भी एक बड़ी गलती होती है। पहले मैं आगे के पॉइंट्स लूँगा और इसके बाद मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में गाइस बात करूँगा आप लोगों से। तो गाइस यहाँ देखते हैं आपको ईवीएस की तैयारी कैसी करनी है। गाइस देखिए, पहले तो जो मैंने 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज निकाली है, वो आप ले लेते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी, पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात, ईवीएस के लिए आप भाई क्लास थर्ड, गाइस कहाँ से, क्लास थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। अब आप लोग भाई कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम कहाँ है, तो गाइस आप मत पढ़िए एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी नोट्स बना लिए हैं, मैं तीन क्लास दूंगा, एक क्लास थर्ड की होगी, एक फोर्थ का होगा, एक फिफ्थ का होगा, चाहे वो एक घंटे की हो, चाहे दो घंटे की हो, चाहे तीन घंटे की हो। गाइस यहाँ पे मैं पूरा एनसीईआरटी 3 to 5 कवर करा दूंगा, आपको कुछ एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर ये क्लास ले लेना, बस गाइस आपका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसएसटी और साइंस की। तो गाइस जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो 6 to 8, गाइस वो कहाँ तक, वो 6 to 8 जो होगा वो इन क्लासेस को पढ़ेगा। अब 6 to 8 अगर आप नहीं पढ़ी जा रही है, तो एसएसटी वाले बच्चों को कहूँगा, एक प्लेलिस्ट है एसएसटी फुल कोर्स के नाम से, सोशल साइंस फुल कोर्स के नाम पे, जहाँ गाइस आपको 66 वीडियोस मिलेंगे, वो 66 वीडियोस देख लीजिए आप लोग, और लगभग 20 वीडियो अभी आपको मैं दूंगा एसएसटी के, वो देख लेना, एसएसटी का पेपर बन जाएगा आपको। तो गाइस ये बात हो गई ईवीएस की और ये एसएसटी की। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिससे क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। गाइस आप कहिए सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या एसएसटी साइंस, किसी में भी कहिए, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए गाइस यहाँ पे, तो गाइस यहाँ देखिए ये एनसीए, भाई एनसीए एक बड़ा टॉपिक है, गाइस एनसीए एक बड़ा टॉपिक है, आपको बता दूं इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। भाई आपने देखा है एनसीए, इससे क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या गाइस आप कहिए यहाँ पर ईवीएस या सीडीपी, सभी में आपको देखने को मिलेंगे एनसीएफ से क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन आएंगे, समावेशी कक्षा से आएंगे, जीन प्याजे जी के ऊपर क्वेश्चन सीडीपी में भी आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे और मैथमेटिक्स में भी आएंगे, जीन प्याजे की चार अवस्थाओं के ऊपर। ध्यान रखना, अगर नहीं आए तो मुझे बताना, जीन प्याजे की चार अवस्थाओं के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। आगे चलता हूँ भाई, बाल केंद्रित शिक्षा, गाइस समावेशी शिक्षा आज इसमें जोर डाला जा रहा है, आज पूरी शिक्षा पद्धति जो है ये बाल केंद्रित बना दी गई है। तो गाइस यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा और जीन प्याजे आदि को गाइस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है गाइस। अब गाइस एक बड़ी गलती आप लोग करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है, इससे ना आपके सीधे सीधे 30 नंबर कम होते हैं। वो गलती क्या है जो आप करते हैं 30 नंबर जिससे कम हो जाते हैं, जो आपको नहीं करनी है, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, और इसके वीडियो में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक भी देने वाला हूँ। गाइस देखते हैं, आइए गाइस यहाँ पे पहली बात मैं आपको बोल दूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। गाइस क्या होता है, हर किसी व्यक्ति का एक वीक जोन होता है, हर किसी व्यक्ति का एक स्ट्रांग जोन होता है। तो भाई पहले आप अपने वीक जोन और स्ट्रांग जोन को पहचानिए, जब भी आप पेपर की शुरुआत करें आप अपने स्ट्रांग जोन से करें, वीक जोन को लास्ट में करें। अगर आप वीक जोन करते हैं ना, तो वो आपका ना टाइम खा लेता है और फिर आपको ना टाइम नहीं बचता। गाइस क्या होता है, मान लेता हूँ भाई एक बच्चे की सीडीपी बहुत अच्छी है, तो गाइस वो सीडीपी से पेपर स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना, एक बच्चे की ईवीएस बहुत अच्छी है तो वो ईवीएस से पेपर स्टार्ट करेगा, पर गाइस अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है ना, तो मैथ्स से पेपर स्टार्ट मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। गाइस देखिए, हमारे पास अगर आप देखते हैं तो भाई ईवीएस,
CDP सभी के लिए हमारे पास कितना समय होता है, 30-30 मिनट होता है। पर गाइज आपको ये जो लैंग्वेज होती है लैंग्वेज वन और जो गाइज आपकी लैंग्वेज टू होती है ना, इसमें से ना आपको 5 मिनट बचाना है, इसमें से 5 मिनट बचाना है। मतलब ये लैंग्वेज आपको 25 मिनट में करनी है, ये लैंग्वेज आपको 25 मिनट में करनी है। इससे जो 10 मिनट बच रहा है वो मैथमेटिक्स को देना है, पूरे 40 मिनट आपको मैथ्स को देना है। और मैथमेटिक्स हम लोग लास्ट में करेंगे, अंत में जो 40 मिनट बचा है ना वहाँ हम मैथ सॉल्व करेंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट कभी गड़बड़ नहीं होगा गाइज, मैथ पहले सॉल्व करोगे टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं, जिस जहां पे गाइस आपका मान लेते जो भी स्ट्रांग जोन हो सबसे पहले उसको करें, फिर उससे वीक वाला जाओगे। और मैथ्स आपकी कितनी स्ट्रांग क्यों ना हो इसे आप लास्ट में करेंगे। तो गाइस ये चीजें थी। गाइस आप सभी जानते हैं कि भाई आप 90 नंबर में जनरल वाले पास हो जाते हैं और 82 नंबर में आपके SC ST OBC वाले पास हो जाते हैं। गाइज ये नंबर अगर ये प्लान फॉलो कर रहे हैं, रात 9 बजे वाली क्लास फॉलो कर रहे हैं, और भी मैं नंबर ऑफ क्लासेस लाइव बढ़ा रहा हूँ, ये 90 नंबर ये 82 नंबर आप क्रॉस कर जाएंगे, इसे पार कर जाएंगे, इस बात की भाई गारंटी लेता हूँ। गाइज एक बात और, जो एक गाइज आप लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं उन गलतियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वो गलतियाँ क्या है भाई, आप ना लैंग्वेज संबंधी एक बड़ी गलती करते हैं। कैसी गलती करते हैं गाइज, लैंग्वेज संबंधी एक बड़ी गलती करते हैं आप लोग। क्या करते हैं भाई, आपका लैंग्वेज 1 होता है, आपका लैंग्वेज 2 होता है, आपको यही नहीं पता होता है कि भाई क्या करना है। गाइज मैं लैंग्वेज की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी है या इंग्लिश है, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि आपका लैंग्वेज 1 और 2 होता है। गाइज आप बेहतर जानते हैं आपका लैंग्वेज 1 क्या होगा। लैंग्वेज 1 वाले 91 से लेकर गाइज वो 120 तक, मतलब 120 तक ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिसका लैंग्वेज 2 होगा, मतलब जो भी लैंग्वेज 2 होगा वो 121 से स्टार्ट होगा, 150 में जाकर फिनिश होगा। तो ये चीज़ें याद रखें, अगर गाइज यहाँ पे आपने नंबर गड़बड़ कर दिए तो आपके 30 नंबर सीधे उड़ जाते हैं, कोई नहीं बचा पाएगा 30 नंबर, यहाँ 30 के 30 चले जाएंगे चाहे आपने कितनी क्यों ना पढ़ाई करी हो। तो गाइज ये 30 नंबर बचाने के लिए लैंग्वेज 1 91 से करेंगे, लैंग्वेज 2 121 से करेंगे। अब गाइज आपका पेपर 2 मीडियम में आएगा, एक तो उसमें हिंदी भी लिखी होगी, उसमें गाइज इंग्लिश भी लिखी होगी। अब आप दोनों में पढ़ें, दोनों में आप पेपर को पढ़ें गाइज, और दोनों में जानें कि भाई अगर आपको कुछ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हिंदी में पढ़ लो, इन चीज़ों का ध्यान रखो। गाइज अब आपको बता दूँ, इसके अलावा भी आप थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ सकते हैं, आप कॉलबक के बारे में पढ़ सकते हैं, आप वाइगोस्की के बारे में पढ़ सकते हैं, आप हमारी क्लासेस देखिए, ये बेहतर चीज़ें हैं और आपका बेहतर एग्ज़ाम क्लियर होगा। इससे पहले हज़ारों बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और आपका भी होगा गाइज, आज ये बात कहना था। गाइज ये पूरा प्लान कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। रात ठीक 9 बजे आप लोग लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, रात 9 बजे आपने चैनल ओपन किया, मैं वहाँ पे आपको लाइव देखूँगा, डेट लिखी हुई होती है आज की उसमें, और गाइज वो डेट पढ़ के या तो आप वहाँ लाइव का सिंबल देखेंगे, वो लाइव का सिंबल देख के आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लाइव कमेंट कर सकते हो, लाइव डाउट पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये किसी को नहीं देना है। टेलीग्राम फ्री है, व्हाट्सअप ग्रुप फ्री है, कुछ PDF फ्री है, लाइव क्लासेस फ्री है। तो गाइज इतना कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइज आप लोग मुझसे मुलाकात करेंगे रात 9 बजे लाइव क्लास में, किसी की कोई क्वेरी, किसी का कोई डाउट हो इसको लेकर गाइस तो आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, उसे भी जरूर मैं आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर के साथ गाइस इसे शेयर करना, ये वीडियो बनाने का गाइस मकसद पूरा हो जाता है अगर आप इसे एक शेयर और एक लाइक दे देते हैं। गाइस वंस अगेन थैंक यू सो मच।